than one rank, one pension. सेना के निवृत्त अधिकारी आए करके मुझे भी सम्मानित कर रहे हैं और मैं देख रहा था वो इतने भाव विभोर थे। इस देश का सेना का हर जवान उसी भाव से मैं आशीर्वाद दे रहा है। 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने वाला नहीं था। हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था, तब मंडी में मैंने घोषणा की थी कि हम वन रैंक वन पेंशन दे के रहेंगे। अब तक 3 किस्त के पैसे दे चुके हैं और निकट भविष्य में 4थी किस्त का भी पैसा गला जाएगा सेना के जवानों के घर में। और ये छोटे छोटे जवान होते हैं, बड़े बड़े बाबुओं का नहीं होता है, उनके घरों में सीधा चेक चला गया। करीब 8,500 करोड़ रुपया उनको वितरित कर दिए गए। मैं जानता हूं इसके कारण सरकार पे बोझ पड़ता है। साथ में ही आप देख पा रहे होंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे बीच आ चुकी है 5 दिसंबर 2022 की, जहां 6:01 पे यहां पे वन रैंक वन पेंशन पे एक बड़ा आउट यहां पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। दीपक चौधरी जी जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन पे एक बड़ी बात कही है, ओआरओपी, जी हाँ ओआरओपी, तमाम भूतपूर्व सैनिक, सैनिक सम्मान जब तो पेंशन धारक भूतपूर्व सैनिक लंबे समय से जिस चीज के इंतजार में थे, कि जिस चीज के वेट में थे कि होप आवर लर्न टीम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम ईएसएम मतलब एक्सो रिस्क मैन प्रिपेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय नाउ फॉर सीसी टू बी फिल्ड सून आफ्टर ड्यू डेट। आप लोग एक चीज बता दें यहाँ पे कि काफी हमारे पेंशन धारक तो पेंशन भोगी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ओआरओपी इस समय सबसे ही पीक टॉपिक है, मतलब कि सबसे ही ज्यादा ही ओआरओपी का डिमांड और ओआरओपी के बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा निकल चुका है। ऑल द स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर नॉट पेइंग ओआरओपी शुड बी केयरफुली प्लान्ड, मतलब इनका कहना है कि सब कुछ प्लान्ड है कि हमारे को ओआरओपी कैसे ना दिया जाए, ओआरओपी से कैसे वंचित रखा जाए, वो प्री प्लान्ड है, मतलब इनका कहना प्लान्ड है बाय आवर लीगल टीम और फाइट एट सुप्रीम कोर्ट वाइल पुटिंग फॉर कंटेम ऑफ कोर्ट। जी हाँ यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई दिया है सतवीर साहब को, जी हाँ सतवीर साहब हमारे इंडियन एक्सर्विस मूवमेंट के चेयरमैन मेजर जनरल सतवीर साहब जी को बताया गया है कि होप आवर लर्न टीम ऑफ एडवोकेट और फ्रॉम ईएसएम प्रिपेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट बाय नाउ फॉर कंटेम ऑफ कोर्ट, स्ट्रॉन्ग केस बनाने की बात की गई है और कंटेम ऑफ कोर्ट टू बी फिल्ड सून आफ्टर ड्यू डेट। देखिए ड्यू डेट आपका 15 दिसंबर 2022 है, इससे पूर्व सैनिकों को देना पड़ेगा आपको ओआरओपी का एरियर अथवा आश्वासन या कोई ना कोई वर्डिक्ट या कोई ना कोई स्टेटमेंट कि ओआरओपी अब लागू, अब ओआरओपी का पैसा इस दिन आएगा या ओआरओपी पर कितना बजट है, कुछ ना कुछ निकल के नोटिस आना अति अनिवार्य है, नहीं तो हमारे पेंशन धारक अथवा पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ऑल द स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर नॉट पेइंग ओआरओपी शुड बी केयरफुली प्लान्ड। तो ये अपडेट निकल के आई है व्हाट्सएप के माध्यम से। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को साथ ही और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।